बिग बॉस 13 के लेटेस्ट एपिसोड में रश्मि देसाई को सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा गया। रश्मि देसाई को अरहान खान, विशाल आदित्य सिंह और असीम रियाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की गेम को कमजोर करने की प्लानिंग करते हुए देखा गया। वीकेंड का वार शूट खत्म होने के बाद रश्मि देसाई अरहान खान और असीम रियाज को सिद्धार्थ शुक्ला की कमजोरी बताती है। रश्मि ने कहा, सिद्धार्थ को बोलने पर कंट्रोल नहीं है, इसका ये रियल साइड है, इसे बाहर लाओ। लेकिन सिद्धार्थ को बाहर खुद के टॉपिक पर ला, मेरे नहीं। दूसरी तरफ विशाल से बात करते हुए रश्मि ने कहा, तू सिद्धार्थ के सामने या तो चुप हो जा या फिर मैन टू मैन बात कर। बीते एपिसोड में अरहान खान से बातचीत में रश्मि ने सेट पर सिद्धार्थ संग हुए झगड़ों पर बात की। रश्मि ने कहा, सेट के लड़ाई झगड़े काफी गंदे थे, प्रोडक्शन इसकी हरकतों से इतना परेशान हो चुका था, दो बार उसे निकाला भी गया। मैं सिद्धार्थ के सेट पर गाली गलौज को बर्दाश्त करती थी क्योंकि उस वक्त मैं आर्थिक तंगी से झेल रही थी, मुझे काम की सख्त जरूरत थी। रश्मि ने बताया कि सिद्धार्थ ने आखिरी फोन कॉल में मुझे बेहद गंदी बातें कही थी, जिसके बाद मैंने तुरंत फोन काट दिया था। सिद्धार्थ की घटिया बातें सुनने के बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। बाद में सिद्धार्थ ने आरती का सहारा लिया। आरती के बदले सिद्धार्थ मेरे घर पर आया था, जहां उसने मुझसे माफी मांगी थी। फिल्मी अड्डा से सुब्बी मिश्रा की रिपोर्ट।